महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक उद्धव ठाकरे वर्सेस भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे देखने को मिला, लेकिन अब ये लड़ाई शरद पवार तक भी पहुंचती नजर आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि शरद पवार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी अब देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। भाजपा के विधायक अतुल भाटखलर ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जो खत लिखा है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा विधायक ने अपने पत्र में डिप्टी सीएम से मांग की है कि पात्राचोल घोटाले में एनसीपी चीफ की भूमिका की भी जांच की जाए। इसी मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत फिलहाल जेल में हैं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। सोमवार को ही उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया। अतुल भाटखलर ने पात्राचोल घोटाले में शरद पवार पर आरोप लगाते हुए उन्हें इसका रिंग मास्टर करार दिया है। उन्होंने मराठी में लिखे पत्र में कहा कि मराठी लोगों को बेघर करने वाले पात्राचोल घोटाले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम देने के लिए संजय राउत ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की मौजूदगी में बैठक की। इस बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, तो मराठी लोगों को बेदखल करने की साजिश रांगपा और कांग्रेस का संजय राउत और शिवसेना से क्या संबंध था। भाजपा विधायक अतुल भाटखलर ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजकर तय समय के भीतर पूरी जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने तत्कालीन आवास सचिव का जिक्र करते हुए पत्र लिखा और भाजपा विधायक ने अपने लेटर में कहा कि महाराष्ट्र शहरी विकास प्राधिकरण MHADA ने भले ही स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसके अधिकारी बाहरी ताकतों के दबाव में थे। भाजपा विधायक ने इस मामले के तौर पर इसी के आधार पर एनसीपी चीफ से भी जोड़ने की कोशिश की है। अब तक इस मामले में शरद पवार या एनसीपी की ओर से रिएक्शन नहीं आया है। पात्राचोल घोटाला 1034 करोड़ रुपए का है। ईडी के आरोप के मुताबिक चोल को विकसित करने का जिम्मा प्रवीण राउत की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, लेकिन आरोप है कि उसने इस जगह का कुछ हिस्सा निजी डेवलपर्स को बेच दिया था। अब देखना यही दिलचस्प रहेगा, क्या संजय राउत के बाद शरद पवार भी जेल की सलाखों के पीछे जाते नजर आएंगे बीजेपी के इस खुलासे के बाद, क्योंकि संजय राउत पर जो आंच आई है उनको जमानत तक नहीं मिल पा रही और लगातार वो जांच में फंसे हुए हैं। अगर शरद पवार तक आंच आती है तो क्या शरद पवार भी बीजेपी के निशाने पर रहेंगे, देखना यही दिलचस्प है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।